एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये स्टडी करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, डेफिनेशन के हिसाब से अ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई, मतलब इसका मतलब होता है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ओके डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ फिर से एक्स वाई, ओके जी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री। यहां से कुछ पता नहीं चला होगा पर इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सेम डिग्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम डिग्री। अब ध्यान देना ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी ये इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें देखो एफ एक्स वाई डी एक्स है ना, तो एफ एक्स वाई की जगह कौन है एक्स क्यूब, क्लियर। ये जी एक्स वाई की जगह कौन है वाई क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है तीन, इसकी भी डिग्री तीन, तो सेम डिग्री है, तो ये बन गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान देना पूरा, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एफ एक्स वाई, ये एफ एक्स वाई है ना, एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स, एफ एक्स वाई की जगह ये है, इसकी डिग्री ध्यान देना ये टू है और ये वन, टोटल तीन, ओके। यहाँ पे भी देखो डिग्री तीन, दोनों तरफ सेम डिग्री है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर। और एक क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं डिग्री ढूंढने में, ये एफ एक्स वाई है, ये जी एक्स वाई है, इसकी डिग्री बताओ क्या है, फोर, इसकी टू है, इसकी टू है, टोटल फोर, इसकी सिंपल डिग्री टू ही होगी क्योंकि यहाँ पे प्लस है, एडिशन नहीं होगा पावर का, समझ में आया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना एक्स इंटू वाई, तो टोटल डिग्री थ्री होगी, क्लियर, डिफरेंस समझ में आ रहा है। और इसकी डिग्री कितनी है वन वन, मतलब टू, एक्स की वन वाई की वन, यहाँ पे भी डिग्री टू, तो ये सेम डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, याद है, dx के साथ x वाले टर्म, y dy के साथ y वाले टर्म, इतना किया था। तो अगर ऐसा इक्वेशन आता है कि जिसमें आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कौन सा 8.4 चल रहा है ना, ये 8.4, हाँ 8.3 में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे, हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया था, ओके तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज किया था, हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही यूज करें, बट हर क्वेश्चन में सेम टाइप का सब्स्टिट्यूशन, क्लियर। देखो अगर समझो आपको फंक्शन आता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इसको पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में राइट इट एज डीवाई बाई डी एक्स के टर्म में, डीवाई बाई डी एक्स के टर्म में उसको लिखना, वेरिएबल सेपरेबल में मैं क्या करता था, डीवाई और डीएक्स को सेपरेट करता था, ये अलग ये अलग, बाद में सेपरेटली सॉल्व करता था, इसमें हमें डीवाई बाई डीएक्स को एक साथ लाना है, दिया होगा तो अच्छा है, नहीं तो हम खुद से एक साथ लाएंगे, ठीक है। डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी ऑफ एक्स वाई, क्लियर, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, पहले ये बताऊंगा मैं आराम से, आपको समझ में आएगा ये क्या किया, ओके। बाद में पुट, जहां पे y होगा उसके जगह वी एक्स पुट करना, y के जगह v इंटू एक्स पुट करना, ठीक है। टेक्सटबुक में आपको टी एक्स दिया है पर v लोगे तो अच्छा होगा, v की तो हमें आदत लगी है, तो v मोस्टली हम डिफरेंशियल इक्वेशन में v लिखते हैं, ठीक है, t लिखोगे तो भी चलेगा। बाद में इसका डेरिवेटिव निकालना, y का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx is equal to, यहां पे u into v लगेगा, ओके, सो u डेरिवेटिव ऑफ v, x का डेरिवेटिव कितना था 1, सही लिखा था, प्लस v मतलब x डेरिवेटिव ऑफ v dv upon dx, समझ में आया, तो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, ओके। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जहां पे y होगा उसके जगह मैं vx लिखूंगा, इस y के जगह मैं vx लिखूंगा, इसके जगह मैं vx लिखूंगा, और dy / dx के जगह मैं पूरा टर्म v plus x dv upon dx लिखूंगा, क्लियर। और इस पूरे इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, एक बार वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ओके। ओवरऑल ये नहीं समझ में आएगा जब तक मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता, ओके ओके। एक्सरसाइज 8.4 में फर्स्ट क्वेश्चन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री देखो 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं है, जो अभी मैंने स्टेप बताए थे ना y इज इक्वल टू v x पुट करो, वैसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ऑलरेडी है। हम वो झंझट क्यों कर रहे थे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को लाने के, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम खुद से लाते हैं और बाद में उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x dx is equal to minus 2y, अरे इसमें से एक कोई तो dy होगा, ये होगा, ये dx और ये dy, ठीक है। अब ये x dx और इस तरफ माइनस टू वाई डी वाई ऐसे लिखोगे, अब dx के साथ x वाला टर्म, dy के साथ y वाला टर्म रेडी है, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, माइनस टू बाहर लिखते हैं और ये y dy, ओके। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन टू, और ये माइनस टू, y का इंटीग्रेशन सेम y स्क्वायर अपॉन टू और आगे प्लस c, अब log c नहीं लूंगा, क्यों, दोनों तरफ log नहीं है, अगर सबके सब log होंगे ना तब log लेना, log c लेना, क्लियर। ये x स्क्वायर अपॉन टू माइनस y स्क्वायर प्लस c, खत्म। ये y स्क्वायर इस तरफ, तो x स्क्वायर अपॉन टू प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c, ये भी चलेगा, और सिंप्लीफाई कर सकते हो टू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टू, पर इतना काफी है, बस है, क्लियर, ये लिखो, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर टू, इसमें ध्यान देना, आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो क्या, इसमें नहीं कर सकते, इसके वजह से देखो नहीं होगा ना, ये ब्रैकेट है, इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब डी एक्स के साथ एक्स नहीं होगा, डी वाई के साथ वाई नहीं होगा, तो ये एक्चुअली चेक करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इसकी डिग्री देखो 2 है, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ में आया, इसकी 2 क्यों है पता चला ना, ये 1 1, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या था, राइट इट एज dy / dx के फॉर्मेट में, ठीक है, तो dy / dx के फॉर्मेट में लिखते हैं, ये y स्क्वायर dx, मैं इस टर्म को इस तरफ लेके जाता हूं, तो ये माइनस xy प्लस x स्क्वायर dy, समझ में आया, ठीक है। अब dx को इस तरफ लेके आता और ये पूरा टर्म माइनस के साथ उस तरफ भेज दो, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया, और इस तरफ ये dy / dx, ठीक है, लिख दिया, नहीं समझा, ये सिर्फ इसके नीचे गया तो माइनस इसको लिख सकता हूं मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसके नीचे यहाँ पे आएगा ना, ऊपर लिख दिया बस, क्लियर। तो dy / dx इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, लिख गया, ओके। अब मैं पुट करूंगा, क्या पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू vx, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो और डायरेक्ट निकालो, पूरा u इंटू वी मत लिखो, dy / dx इज इक्वल टू v, इसका डेरिवेटिव 1 नहीं लिखा, बाद में x और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dv / dx, ठीक है। इसको इक्वेशन समझो 1 देते ना, दिस इज माई इक्वेशन 1, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, dy / dx के जगह क्या लिखना है, v प्लस x dv / dx, v प्लस x dv / dx लिख दिया, इस तरफ y के जगह क्या लिखना है, vx, ठीक है, माइनस वहां पे y स्क्वायर है तो ये v स्क्वायर x स्क्वायर, समझ में आया, y स्क्वायर है ना, v स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे x इंटू y है ना यहाँ पे, तो y के जगह फिर से vx और ये प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस एज इट इज v स्क्वायर x स्क्वायर भी एज इट इज, नीचे देखो ये x इंटू x x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और माइनस ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल दिया, और ये वी प्लस वन, ये कट, ओके, इस तरह वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ओके, हाँ ये लिखता हूँ अच्छे से मैं, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर
और नीचे v प्लस वन बचा, ये माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये प्लस v है, इस तरह भेज दो माइनस v, तो x dv अपॉन dx, ये प्लस v का माइनस v हुआ और आगे माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस वन है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये v प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आराम से मल्टीप्लाई करना, साइन का गड़बड़ मत करना, प्लस माइनस गड़बड़ मत करना। ये माइनस वी है, माइनस वी इंटू वी, मुझे पता है ये वी स्क्वायर बनेगा, माइनस वी स्क्वायर, और ये माइनस वी का स्क्वायर आगे, सॉरी सॉरी, माइनस वी इंटू वी, ये वी स्क्वायर बन गया, और माइनस वी इंटू वन, ये माइनस वी, और आगे ये माइनस वी स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में वी प्लस वन, ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज लिखना, ठीक है। अब देखना, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसल कैंसल, क्या होगा, ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिख दिया मैंने, क्या होता है उसका, माइनस टू वी स्क्वायर, एडिशन होगा ना, माइनस माइनस ऐड होगा, और आगे कौन है, माइनस वी अपॉन वी प्लस वन, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो ये टू वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी प्लस वन। बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी भी बहुत सॉल्व करना है। इसमें से डी एक्स इस तरफ आएगा, इसमें से डी एक्स इस तरफ आएगा, ओके। चलो, एक्स डी वी इज इक्वल टू माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी प्लस वन, और ये डी एक्स इस तरफ आया, ठीक है। अब देखो, डी एक्स के साथ वी वाला टर्म नहीं चाहिए और डी वी के साथ एक्स वाला टर्म नहीं चाहिए, तो इसकी जगह उस तरफ है, ओके। ये डिवाइड में न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये वी प्लस वन, मैं माइनस को इसी तरफ रखूंगा, और ये न्यूमरेटर में डिवाइड में आएगा टू वी स्क्वायर प्लस वी, और इस तरफ डी वी, एक्स न्यूमरेटर में ऊपर है, नीचे आएगा, ये माइनस एज इट इज माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, समझ में आया अरेंजमेंट, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, माइनस एज इट इज, बाद में एक्स इस तरफ आया, क्लियर। हाँ, अब मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, क्योंकि सॉल्यूशन करना है ना मुझे, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो v प्लस वन अपॉन, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको v कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा क्या, टू वी प्लस वन, और ये डी वी, इसको माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आराम से लिख दोगे लॉग एक्स, इसका क्या करोगे, याद आ रहा है कुछ इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर नहीं है, इसका डेरिवेटिव समझो, इसका डेरिवेटिव आता तो क्या आता, फोर वी आता, और ये फोर वी प्लस वन, ऊपर सिंपल वी है। आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है, फोर से मल्टीप्लाई करो, कर दोगे चलेगा, पर और बढ़ेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे यहाँ पे वन चाहिए, फोर वी प्लस वन, फोर नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब बताओगे ना, मैं जो मेथड बताऊंगा ना, चौंक जाओगे, इतना अभी सॉल्व करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन याद आ रहा है, लेट वी प्लस वन अपॉन वी टू वी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन टू वी प्लस वन, ये तो और लंबी है, ठीक है, करना पड़ेगा, चलो, ओके। ए इंटू टू वी प्लस वन और बी इंटू वी, और इस तरफ क्या है, वी प्लस वन, डिनोमिनेटर कहाँ गया पता चला, ठीक है। अब मुझे एक एक की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास तो जगह नहीं है, ये कॉपी करो, बाद में नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, पहले एक ए और बी की तो वैल्यू निकालते हैं। चलो, मुझे ए निकालना है, बी को जीरो बनना है, बनाना पड़ेगा, तो ए बी को जीरो बनाने के लिए वी के जगह कितना, जीरो, ये जीरो पुट करोगे तो जीरो बन जाएगा ना, आराम से जीरो, तो ये जीरो पुट करोगे, यहाँ पे जीरो पुट किया तो वन, ये जीरो पुट किया तो पूरा जीरो, तो ए इंटू वन मतलब ए बचेगा, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, फिर से बता दो, v इज इक्वल टू जीरो मतलब ये गया, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो वन, यहाँ पे जीरो पुट गया तो सिंपल वन, तो a इज इक्वल टू आपको वन मिलता है, ओके। बाद में अब आराम से सोचना, मुझे अब a को जीरो बनाना है,
बी की वैल्यू निकालनी है ना, ए को जीरो बनाना है, क्या करोगे? वी के जगह क्या वैल्यू पुट करोगे कि ए जीरो हो जाएगा? सोचो, ये वन है, यहाँ पे माइनस वन आना चाहिए, तो माइनस वन कैसे आएगा? अगर v इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू होगा तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू होगा, टू टू कैंसिल, माइनस वन बचेगा, ये टू वी है ना, टू वी, तो टू वी के जगह माइनस वन बाई टू, टू टू कैंसिल, माइनस वन आएगा यहाँ पे, माइनस वन प्लस वन, समझ में आया? ये कैलकुलेशन डायरेक्ट होना चाहिए आपसे। अब देखो, पूरे इक्वेशन में माइनस वन बाई टू पुट करो, ये माइनस वन बाई टू, यहाँ पे माइनस वन बाई टू पुट किया, प्लस वन मतलब एक में से आधा गया, तो आधा बचेगा, डायरेक्ट किया मैंने, ये जीरो, और यहाँ पे माइनस वन बाई टू इंटू बी, ओके, माइनस वन बाई टू कैंसिल, माइनस बचा, सो बी इज इक्वल टू माइनस वन आया। अभी भी सॉल्व करना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, ओके, ये पहले कॉपी करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, इसके आगे सॉल्व करते हैं। कहाँ पे गया डस्टर? देखो, a इज इक्वल टू कितना मिला, वन, एंड b इज इक्वल टू माइनस वन, कहाँ पे पुट करोगे? यहाँ पे वन अपॉन v एंड माइनस वन अपॉन टू वी प्लस वन, और इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट करोगे। क्लियर? मेन क्वेश्चन ये ही है ना, इसको सॉल्व करने के लिए झंझट कर रहे सब, ओके। तो ये कैसा दिखेगा इंटीग्रेशन में, डायरेक्ट लिखता हूँ, a अपॉन v, a के जगह क्या है, वन अपॉन v, बाद में माइनस वन अपॉन b अपॉन v है ना, b के जगह माइनस वन अपॉन टू वी प्लस वन, टू वी प्लस वन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके dv, और इस तरफ माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ, बट मैं एक साथ इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूँ, इसके वजह से रख दिया इसको, ये वन अपॉन वी डी वी, क्लियर? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लॉग v आएगा, सिंपल मुझे पता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन लिखता हूँ, और ये वन अपॉन टू वी प्लस वन डी वी, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, टू वी का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू, विथ रिस्पेक्ट टू वी, टू वी का टू आएगा, वन का जीरो, तो ऊपर क्या होना चाहिए, टू, नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, समझ में आया? और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा, लॉग वी, ओके, माइनस वन बाय टू लॉग टू वी प्लस वन, कोरोलरी, और यहाँ पे माइनस लॉग एक्स, और ये प्लस, सबके सब लॉग में है तो ये लॉग सी, समझा? ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस log x को उस तरफ लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, और ये 1 बाई टू टू वी प्लस वन को इस तरफ लेके आओ, ये भी प्लस हो जाएगा, तो log v, सॉरी, log v प्लस log x इज इक्वल टू प्लस हाफ log टू वी प्लस, सॉरी, टू वी प्लस वन प्लस log c, ओके। log m प्लस n का रूल हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये log वी एक्स बन गया, समझा, वी एक्स, और यहाँ पे हाफ log टू वी प्लस वन प्लस log c, ठीक है, ये हाफ है, ये टू नहीं, पहले टू इसको मल्टीप्लाई करो, बाद में इसको मल्टीप्लाई करो, बता दो कैसे करना है, log वी एक्स, ये टू है ना इसके डिनोमिनेटर में, इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इसको भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये टू log वी एक्स, और ये log 2v प्लस वन, आंसर आ गया है, पर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 log c, ठीक है। आप ध्यान देना, मैंने क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, याद आ रहा है, तो वी एक्स का मतलब क्या होगा, वी एक्स का मतलब क्या होगा, y, वी एक्स के जगह क्या लिखोगे, y, समझ में आया, ठीक है। 2v का, v का मतलब क्या होगा रे, अगर y इज इक्वल टू वी एक्स होगा तो v की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन x इज इक्वल टू v, समझा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन किस में दिया है, x और y में, मुझे आंसर v में नहीं रखना है, जहां पे v दिखेगा मुझे कन्वर्ट करना है उसको, तो मैंने डायरेक्ट v x के जगह y लिख दिया, या फिर v के जगह अगर y अपॉन x भी लिख देते तो x x कट हो जाता और सिंपल y ही बचता, क्लियर? अब ये v के जगह क्या लिखना है आपको, y अपॉन x प्लस वन, और ये टू log c, ठीक है।
ये इसके ऊपर तो लॉग वाई स्क्वायर, ओके, और कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, ये लॉग टू वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू लॉग सी, बस इतना काफ़ी है, और सिंप्लीफाई मत करो, सब एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गए। समझ में आया? ठीक है, बहुत लंबा था। देखो क्वेश्चन थ्री, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री कितने है? तीन, इसकी भी थ्री, इसकी भी थ्री, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो पहला काम क्या, हमें डी वाई और डी एक्स को एक साथ लाना है। तो ये लिखता हूँ पहले, ये माइनस है ना, इस तरफ गया प्लस, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, ठीक है, डी एक्स इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो सिंपल ये एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इस तरफ लिखता हूँ अच्छे से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलो अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या लिखूंगा, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बोला था, यू इन टू वी ना, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यू इन टू वी अप्लाई किया। अब डी वाई बाई डी एक्स के जगह मैं ये लिखने वाला हूँ, क्या लिखूंगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई के जगह लिखना है क्या, वी एक्स, तो ये वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और ये वाई क्यूब है तो ये वी क्यूब एक्स क्यूब, वाई क्यूब की जगह वी क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर इन टू एक्स, तो ये वी एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है, एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कॉमन, तो ये बचेगा वन और ये वी क्यूब होगा। समझ में आया? ये सीधा कैंसल, ओके, जो बच रहा है अच्छे से लिखो, क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इस तरह v अपॉन वन प्लस वी क्यूब, ठीक है, प्लस वी है, इस तरफ लेके आओ, स्टेप सेम है, स्टेप में ना कुछ चेंज नहीं आ रहा है, मतलब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो स्टेप सेम है, ठीक है, ये x डी वी अपॉन डी एक्स, अब ये v को एज इट इज लिख देता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसके साथ, तो सोचना ये माइनस वी है, माइनस वी इंटू वन माइनस वी, माइनस वी इंटू वी क्यूब माइनस वी रेस टू फोर, और नीचे वन प्लस वी का क्यूब, क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, क्या बचेगा, x डी वी अपॉन डी एक्स, और ये माइनस वी रेस टू फोर वन प्लस वी क्यूब, ओके, मैं क्या करता हूँ, डी एक्स को इस तरफ लेके आता हूँ, तो एक्स डी वी माइनस वी रेस टू फोर वन प्लस वी क्यूब और डी एक्स, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसके लिए हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, मैंने कन्वर्ट कर दिया वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है, डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म नहीं है, तो क्या करता हूँ, इसको उस तरफ भेज देता हूँ, तो वन प्लस वी क्यूब ऊपर जाएगा और उसके नीचे वी रेस टू फोर, माइनस को इसी तरफ रखना, सॉरी वी, हाँ वन प्लस वी क्यूब, ठीक है, हाँ माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, और ये डी वी डी वी, समझ में आया, ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन वन प्लस वी क्यूब अपॉन वी रेस टू फोर डी वी और माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, हाँ अब इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री सॉरी फोर वी क्यूब, पर यहाँ पे इसके साथ वन है, तो क्या करो, सेपरेट करो इसको, सेपरेट मतलब वी रेस टू फोर इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, वन अपॉन वी रेस टू फोर प्लस वी क्यूब अपॉन वी रेस टू फोर, समझ जा, और ये डी वी इस तरफ माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आराम से आएगा, वो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करने की झंझट नहीं है, ये वी क्यूब गया और इसका रेस टू फोर गया
और यहाँ पे क्या बचेगा वन, समझ में आया ना? ठीक है, इसका अभी भी मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता, इसको ऊपर लेके जाओ वी रेस टू माइनस फोर, ओके, और साइड में लिख दो वी डी वी, सेपरेट कर रहा हूँ, प्लस ये क्या बचा वन अपॉन वी और साइड में डी वी माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ओके। इसका इंटीग्रेशन बोलो, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन याद आ रहा है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ओके। तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मतलब माइनस फोर प्लस वन, ओके। इसका क्या आएगा, सिंपल, अरे लॉग वी, क्या सोच रहे हो कितने बार हुआ है, ओके। ये माइनस कॉपी किया इसका, लॉग एक्स, अब ध्यान से देखना सबके सब लॉग फॉर्म में है, नहीं है तो ये सिंपल सी रहेगा। अगर ये भी लॉग में होता ना तो इसको मैं लॉग सी लिखता, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कब लिखना है कब नहीं। ये वी रेस टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री, और नीचे ये माइनस थ्री, ये लॉग वी माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ओके। आराम से सोचना, ये माइनस थ्री मतलब मैं बाहर इसको निकाल के माइनस वन बाय थ्री लिख सकता हूँ ना, ओके। और ये v की पावर निगेटिव है तो मैं v की पावर पॉजिटिव ऐसे बना सकता हूँ, उसको नीचे लाया मैंने, समझ में आया, ठीक है। ये log v माइनस log x प्लस c, अब क्या करो ये निगेटिव है ना उस तरफ लेके जाओ पॉजिटिव बनाओ, सिमिलरली इसको इस तरफ लेके जाओ पॉजिटिव बनाओ, तो ऐसे दिखेगा, देखो log v प्लस log x, ये समझा, इस तरफ गया, ये भी इस तरफ लेके आओ पॉजिटिव बनाओ, वन इंटू वन वन और थ्री वी स्क्वायर पॉजिटिव हुआ क्योंकि माइनस का इस तरफ आके प्लस हुआ, ओके। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई करो तो वी एक्स, और ये वन अपॉन थ्री वी का क्यूब प्लस सी। अब वी के जगह सब्स्टिट्यूट करो, पहले देखो वी एक्स क्या था, वी एक्स क्या है वाई, तो लॉग वी एक्स के जगह आप लॉग वाई लिख सकते हो, और वन अपॉन थ्री वी क्यूब के जगह वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हो प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स क्यूब ऊपर उठाओ, तो ये लॉग वाई, ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री वाई क्यूब प्लस सी, ओके। क्वेश्चन टू से तो अच्छा था, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है, ये भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं है पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री वन, इसकी वन, वन वन सेम है। हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लाते हैं, ऑलरेडी दिया है उन्होंने, ओके। तो वो तो काम बच गया हमारा, तो सिंपल हम मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये प्लस है, इस तरफ लेके आओ माइनस एक्स माइनस टू वाई और टू एक्स माइनस वाई। ये माइनस अगर इसको मल्टीप्लाई करता है तो ऐसे दिखेगा, क्या देखो माइनस माइनस ये प्लस टू वाई और ये माइनस एक्स, उल्टा लिख दिया, समझ में आया, माइनस माइनस प्लस टू है और ये माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में टू एक्स माइनस वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन करो, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ओके। डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर दो, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ वाई के जगह क्या लिखना है वी एक्स, सो टू वी एक्स माइनस एक्स, फिर से टू एक्स वाई के जगह वी एक्स, ठीक है। क्या होगा इसमें से एक्स एक्स कॉमन आ सकता है, एक्स एक्स कॉमन आ सकता है ना, हाँ। सो एक्स कॉमन आया तो टू वी माइनस वन, और इसमें से x कॉमन आया तो 2 माइनस वी, क्लियर। अब एक्स एक्स कट गया, इस तरफ का मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं v को इस तरफ लाऊंगा, सेम स्टेप है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, अभी तक जो दो क्वेश्चन में किया है वही एक इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ओके। तो मैं उस तरफ x dv अपॉन dx लिख देता हूं, और इस तरफ क्या है 2v माइनस वन अपॉन टू माइनस वी, उस तरफ का प्लस v, इस तरफ आके माइनस v, समझा, ठीक है। x dv अपॉन dx 2v माइनस वन
माइनस वी इंटू टू, माइनस वी इंटू टू क्या आएगा माइनस टू वी, एंड माइनस वी इंटू माइनस वी दैट इज प्लस वी स्क्वायर। समझ में आया? डिनोमिनेटर में टू माइनस वी, ये कट। ओके, वी स्क्वायर प्लस में वन माइनस में, तो वी स्क्वायर को आगे लिखते वी स्क्वायर माइनस वन और नीचे टू माइनस वी, ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, हाँ ये डी एक्स इस तरफ आएगा। अब मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ये मैं ऐसे लिखूंगा टू माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। समझा? ये इस तरफ गया, ये नीचे गया, x नीचे आया, dx सिर्फ अरेंज किया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। ठीक है, हाँ सोचो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, नहीं है, सिंपल 2v होता है, वी होता ना तो भी मैं एडजस्ट कर लेता, पर अभी तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको सेपरेट करता हूँ। इसको सेपरेट करके ये टू वी स्क्वायर माइनस वन ऐसे लिखूंगा, और आगे माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन, आगे डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सेपरेट करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे तो टू कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन डी वी। समझा? 2 बाहर, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन, और ये डी वी अंदर आ, माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन डी वी। इसको भी एज इट इज लिख देता हूँ, एक साथ में इंटीग्रेशन निकालूंगा। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है, बताता हूँ क्या। ये 1 है तो 1 का स्क्वायर एज्यूम कर सकते हो। ओके, ये हुआ है पर भूल गए होगे इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स होगा, तो इसका आंसर आप 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 2 साल पहले सीखा था, याद आया कि कहाँ पे इंटीग्रेशन में याद आया ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। ओके, उसमें तो ये 2 1 अपॉन 2 ए के जगह कौन है, 1 है ना, log x माइनस ए, x माइनस ए तो v माइनस वन बन जाएगा, v माइनस वन, x प्लस ए v प्लस वन। समझा? आगे देखना, ये माइनस एज इट इज लिख देता हूँ, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v आना चाहिए, तो ऊपर सिंपल v है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। समझा? तो ये माइनस वन बाई टू log v स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया? ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे लॉग एक्स, पूरे सब के सब फॉर्म लॉग में है, तो ये भी लॉग सी। ओके, ये कट, लॉग वी के जगह आप लिखोगे, यहाँ पे वी एक्स कहीं पे भी नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, वी के जगह लिखोगे वाई अपॉन एक्स माइनस वन, वी के जगह वाई अपॉन एक्स प्लस वन, ये समझा ना, वी के जगह वाई अपॉन एक्स कहाँ से आया, हाँ 1 by 2 log v square के जगह y square upon x square minus 1, और ये log x plus log c। हाँ, इसको multiply कर सकते हो ना, log cx लिख सकते हो, multiply addition मतलब multiply। समझा? ये cross multiply करोगे तो ये y upon x बन जाएगा, नीचे cross multiply करोगे तो y plus 1। हाँ, डिनोमिनेटर में जो x है वो कहाँ पे गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया y माइनस x, और ये y प्लस x, डिनोमिनेटर में x तो आएगा ना, कैंसल, ये ऐसे आएगा ना y माइनस x अपॉन x, y प्लस x अपॉन x, तो कैंसल। ओके, माइनस वन बाई टू log, ये ऐसे लिखोगे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू log cx, इनफ है, इतना काफी है, बहुत सॉल्व कर लिया, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो पर रहने दो, इतना काफी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2। ओके, तो dy / dx को एक साथ लाते हैं, पहले x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस 2xy dy लिखोगे, ये समझ में आया होगा। ठीक है,
बाद में dx इस तरफ, ये पूरा टर्म उस तरफ, माइनस के साथ भेज दो इसको, ठीक है, माइनस नहीं चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे ये 2xy, इस तरफ dy वाई बाय डी एक्स, ओके, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले dy वाई बाई डी एक्स को इस तरफ लिखते हैं, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, अब पुट करो, क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ओके, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, dy वाई बाई डी एक्स की जगह ये लिख दो फटाक से, सो v x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y के जगह क्या करना है, वी एक्स, तो ये y स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये 2x, y के जगह vx, ठीक है, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आएगा, ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ, इसमें से x स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या, v स्क्वायर माइनस वाई, और नीचे देखो ये 2 एज इट इज, v भी एज इट इज, आगे क्या बन गया, x स्क्वायर, ये सीधा कैंसल, ओके, v को उठाओ इस तरफ लेके आओ, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी माइनस वी, ये इस तरह मल्टीप्लाई, ओके, सो वी स्क्वायर माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी एक्स डी वी, ये इजी है, इसका इंटीग्रेशन इजी लग रहा है, ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी स्क्वायर माइनस टू वी कितना आएगा, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकाल लिया तो वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये टू वी, और ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टू वी ऊपर ये नीचे, टू वी ऊपर वी स्क्वायर प्लस वन नीचे और बाजू में डी वी, ओके, ये माइनस एज इट इज वन अपॉन एक्स डी एक्स, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि एक तरफ पे माइनस वन अपॉन एक्स या फिर प्लस वन अपॉन एक्स आ रहा है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, चेंज कहाँ पे होता है, यहाँ पे, बस समझ में आया, ठीक है, अब इंटीग्रेशन करो, टू वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स नहीं, ये डी वी और ये डी एक्स, ओके, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव ऊपर है, वी स्क्वायर का टू वी, तो ये इजी है, वी स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स, दोनों लॉग है तो ये लॉग एक्स, सॉरी लॉग एक्स, दोनों लॉग है तो लॉग सी, ठीक है, ये इस तरफ जाके प्लस करेगा तो लॉग वी स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स और यहाँ पे लॉग सी, ओके, लॉग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, वी स्क्वायर प्लस वन इन टू एक्स और ये लॉग सी, ठीक है, लॉग बी के जगह क्या लिखना है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और आगे एक्स है, लॉग सी, ये एक्स एज इट इज है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आगे कौन है, एक्स, ये लॉग सी, ओके, ये और ये कट, खत्म आंसर, खत्म मतलब कंपेयर करना है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और ये लॉग सी, अगर ये लॉग लॉग इक्वल आ रहे हैं तो ये दिस इक्वल टू दिस, तो ये आंसर ऐसे लिख सकते हो, खत्म, ओके, लिख दो, ओके, क्वेश्चन सिक्स होमवर्क करना वो इजी है, आराम से कर लोगे, इसमें भी इंटीग्रेशन में लॉग का ही टर्म लगेगा, कर लोगे आराम से, क्वेश्चन नंबर सेवन में करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये भी है, ओके, तो dy by dx रेडी भी है आपको, लिख दो एज इट इज dy by dx, क्या होगा चेंज, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर ही है ना वो,
हाँ एक्स स्क्वायर ये ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट पुट करो, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, सब्स्टिट्यूट किया ओके, तो डेरिवेटिव करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसके जगह ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर दिया, और एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स भी एज इट इज, वाई के जगह वी एक्स, वाई स्क्वायर के जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। आराम से सोचना, इसमें से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा ओके, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा वन, यहाँ पे सिंपल वी और ये वी स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर, ये सीधा कट, और ये एक्स सॉरी वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, ये प्लस भी है, इस तरफ लेके आओ माइनस करो, तो बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, सिंपल वन प्लस वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, ठीक है, प्लस वी माइनस वी तो गया, तो वन माइनस वी स्क्वायर बच रहा है ओके, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर, ये नीचे जाएगा और ये एक्स को इस तरफ लेके आओ, देखो अरेंज कैसे कर रहा हो, वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर डी वी, समझा ओके, और ये वन अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस कहीं पे रह गया नहीं, माइनस का गड़बड़ नहीं है, तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर डी वी और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स, हाँ इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, इसका टू वी आता है, तो वी तक वी का तो कुछ भी नहीं है, हाँ तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी ओके, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, तो अप्लाई करो वन अपॉन टू ए कौन है वन ही है, लॉग ए प्लस एक्स दैट इज वन प्लस वी, ए प्लस वन प्लस वी और वन माइनस वी, यहाँ पे लॉग सी लॉग एक्स सॉरी, और सब लॉग है तो लॉग सी, कांस्टेंट लेने के अलावा लॉग सी लेते, ठीक है, तो ये वन बाई टू एज इट इज लिख देता हूँ, वन लॉग वन प्लस वी के जगह में वाई अपॉन एक्स लिखता हूँ, ठीक है, और वन माइनस वी के जगह वाई अपॉन एक्स, लॉग लॉग सी एक्स कर सकता हूँ, ये समझा ना सी एक्स कैसे आया, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड में टू है इस तरफ लेके आओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू है इस यहाँ पे इस तरफ लेके आओ मल्टीप्लाई, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये टू लॉग सी सॉरी सी एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा ऊपर, टू ऊपर जाएगा मतलब स्क्वायर बन जाएगा, तो ये लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, हाँ ये डिनोमिनेटर वाला एक्स कहाँ पे गया पता चला ना, कैंसल हुआ ओके, मतलब आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ लॉग है मतलब कंपेयर करो।